भी कप है उसमें हाँ। चाय पिएंगे सुबह उठ के और याद करेंगे इस सफर को, भाई को, सबको याद करेंगे। हो चुका है शाम का नाश्ता और ये देख सकते हैं प्रीमियम इंस्टेंट मिल्क है, इसमें आप चाय बना सकते हैं। बाकी बॉयल वाटर है, ये समोसा है और यहाँ पे बटर मिल्क और एक केक भाखरवाड़े। दोस्तों इसको ओपन करते हैं और देखते हैं क्या है इसमें। काफ़ी स्पीड से चल रही है अपनी ट्रेन। तो ये देखिए अपने टीटी सर ने टिकट चेक किया और कुछ बुकलेट दिया, इसमें खोल के देखते हैं और क्या है ये सब आपको बताते हैं। तो दोस्तों ये रहा अपना लंच। सबसे पहले तो अपनी शानदार बातें बोलने के लिए मेरे बारे में बहुत बहुत धन्यवाद आप जी, जी। और हाँ, हम लोग पहले ही मिल चुके थे नेपाल में जी, और जी। काफ़ी बढ़िया लगा था वो जर्नी। उम्मीद होगा अच्छे हैं। स्वागत है आपका एक नए सफर में और स्वागत करते हैं आपका गुजरात के अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर। और आज के लोगों के लिए, अहमदाबाद के लोगों के लिए आज का दिन बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज है 30 सितंबर और आज वंदे भारत एक्सप्रेस का यहाँ से शुभारंभ हो रहा है। अहमदाबाद से वंदे मुंबई के बीच में चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस जो अपने पीछे लगी हुई है, इसका आज हम लोग फुल जर्नी करेंगे और आपको दिखाएंगे कि इसमें क्या सुविधा है, क्या इसका चार्ज है, क्या किराया है, सारी डिटेल देंगे। तो आइए चलते हैं और आपको दिखा देते हैं इस ट्रेन का इंटीरियर और डिजाइन और उसके बाद आपको छोटा सा इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, उसके बाद आपको पूरी जर्नी का वीडियो आएगा। तो ठीक है आइए चलते हैं और दिखा देते हैं आपको वंदे भारत एक्सप्रेस की सारी जानकारी। तो दोस्तों ये लग चुकी है अपनी वंदे भारत एक्सप्रेस अपने पीछे और आज अपने इसका नंबर है 09404 जो अपने अहमदाबाद से लेके मुंबई तक हमको ले जाएगी। तो लग चुकी है प्लेटफार्म नंबर 9 पे और आज हम आपको ले चलेंगे अहमदाबाद से मुंबई। तो अहमदाबाद से मुंबई के बीच में इसका टोटल 2 स्टॉप होने वाला है और दूसरी तरफ देख लीजिए प्लेटफॉर्म नंबर 8 पे अहमदाबाद से और हावड़ा के बीच जाने वाली अहमदाबाद हावड़ा एक्सप्रेस आ चुकी है। तो दोस्तों प्लेटफार्म नंबर 9 पे लग चुकी है अपनी वंदे भारत एक्सप्रेस और अहमदाबाद से मुंबई के बीच में टोटल इसके 2 स्टॉपेज होने वाला है, एक सूरत स्टेशन पे, एक बड़ोदरा जंक्शन पे। तो 2 स्टॉपेज के बाद दोपहर में अपनी 2:05 पे ट्रेन चलेगी और शाम को 7:30 पे हमको छोड़ देगी मुंबई सेंट्रल। तो टोटल 5.5 घंटे की जर्नी होने वाली है और चलते हैं ट्रेन के अंदर और देते हैं इसकी पूरी इंटीरियर का डिज़ाइन और जानकारी। और आइए आगे से देख लेते हैं इसका कुछ लुक और डिजाइन। ये देख लीजिए अपनी लगी है प्लेटफॉर्म नंबर 9 पे वंदे भारत एक्सप्रेस और ये हम लोग आ चुके हैं पायलट के केबिन में और ये देख रहे हैं आप, दे रहे हैं पूरी जानकारी आपको पायलट की। तो आइए चलते हैं देख लीजिए कुछ ऐसा है इसका नज़ारा। जाओ चलो भाई। और ये है कुछ ऐसा इसका नज़ारा और ये है ड्राइवर पायलट केबिन का नज़ारा कुछ ऐसा है आप देख सकते हैं। देखिए दोस्तों हम लोग आ चुके हैं ट्रेन के अंदर और कितना बढ़िया रेड कारपेट से इसको सजाया गया, आज इसका फर्स्ट रन होने वाला है। और ये है पेंट्री कार और यहाँ पे साइड पेंट्री है, यहाँ पे फ्रिज वगैरह है, यहाँ पे सामान को लोड किया। अपने प्राइम मिनिस्टर और माननीय अपने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने यात्रा करा है, उद्घाटन जर्नी किया है, यही है अपना ओ कोच। चुके हैं कोच के अंदर, कुछ डिजाइन इसका ऐसा देख सकते हैं और यहाँ पे ऊपर स्पेस काफ़ी दिया गया है सामान रखने के लिए और यहाँ पे देख सकते हैं रीडिंग लाइट टच करने से जल जाती है, काफ़ी अच्छी सुविधा है। और यहाँ पे दिया गया है डिस्प्ले ऑटोमेटिक स्लाइडिंग डोर जो अपने आप आपके आते ही खुल जाएगा और फिर बंद हो जाएगा, सामने आपको यहाँ पे सारी जानकारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। और यहाँ पे बड़ा सा स्क्रीन दिया गया है आपके मनोरंजन के लिए और हिंदी इंग्लिश मराठी सारी भाषाओं में आपको जानकारी मिलती रहेगी, यहाँ पर जो भी स्टेशन आने वाला रहे सारी इन्फॉर्मेशन जो भी रहेगी मिलेगी। यहाँ पर आपको फायर अलार्म सिस्टम दिया गया है, आपको कोई दिक्कत होती है कोई भी दुर्घटना होती है तो आपको सूचित करेगा। तो ये है इसका पुश एंड टॉक बटन जो आपको पुश करके यहाँ पे कुछ भी प्रेस करके आप बोल सकते हैं और ये सूचना आपको सीधे गार्ड और पायलट तक जाएगी, तो इसीलिए एक काफ़ी सिस्टम अच्छा दिया गया है। और दोस्तों यहाँ पे नीचे दिया गया है चार्जिंग सॉकेट, सीट के नीचे चार्जिंग सॉकेट दिया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर आप मोबाइल चार्जिंग कर सकते हैं, लैपटॉप चार्जिंग कर सकते हैं, सारी सुविधा यहाँ पर दी गई है।
दोस्तों आज की अपनी जर्नी में मिल चुके हैं अपने यहाँ के गुजरात के लोकल अपने रेल फैन, तो आइए इनसे नाम पूछते हैं और देते हैं आपको सारी जानकारी। तो सर आपका नाम क्या हुआ? नमस्कार, आई एम विजय अजमेरा फ्रॉम अहमदाबाद गुजरात। क्या बात है, क्या बात है, मेरा नाम भी विजय, आपका भी नाम? जी हाँ जी सर, बढ़िया बढ़िया सर, कोइंसिडेंस है सर। हाँ तो सर इस ट्रेन के बारे में कुछ आप रिव्यू देना चाहेंगे? सर रिव्यू मतलब जितना सुना था उतना मतलब पाया है, लेकिन फिर भी मेरे को पता नहीं चला पहले कि इसमें चार्जिंग स्लॉट कहाँ पर है। अच्छा अच्छा, बाद में बहुत लोगों से पूछा, बाद में पता चला सीट के नीचे दिया है। सीट के नीचे दिया है, तो इसके लिए मतलब एक अपनी उत्सुकता थी, उत्कंठा थी, फर्स्ट डे फर्स्ट शो में जाना है, बात पूरी कर रहे हैं हम सर। तो आपने एकाएक टिकट बुक किया, आपको मतलब पहले से पता नहीं था? पहले से पता नहीं था, तो इसके लिए मैं मतलब छाती टोक के बोल रहा हूँ, फर्स्ट डे फर्स्ट शो फर्स्ट टिकट मेरा, जो मेरी तमन्ना थी वो अपने आप डिफॉल्ट पूरी हो गई। पूरी हो गई, चलिए ठीक है, आपसे मिलकर काफ़ी अच्छा लगा। और सर हम भी मतलब मोदी गवर्नमेंट को धन्यवाद कहते हैं, चलो इसे नए नए इनिशिएटिव स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ, शुक्रिया सर, चलिए थैंक यू। तो दोस्तों अपने राइट समय 2 बजे से अपने ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है अहमदाबाद रेलवे स्टेशन से। आप लोग देख सकते हैं काफ़ी शानदार जर्नी होने जा रही है, और ये है अहमदाबाद का प्लेटफॉर्म नंबर 9, और यहाँ से अपनी ट्रेन डिपार्च करती हुई। और ये लगा है LCD स्क्रीन, यहीं से अपने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने झंडी दिखा के इसको रवाना किया। अहमदाबाद जंक्शन, बाय बाय अहमदाबाद जंक्शन। तो ये देखिए अपने TT सर ने टिकट चेक किया और कुछ बुकलेट दिया, इसमें खोल के देखते हैं और क्या है ये सब आपको बताते हैं, ठीक है। ये देखिए दोस्तों भारतीय रेल का TT सर ने शायद इनोक्रल रन का इसमें टिकट है, देख सकते हैं 30 सितंबर मतलब इनोग्रल रन का वंदे भारत का टिकट है, इसको साइड में करते हैं और इसमें देखते हैं क्या है। इसमें भी ट्रेन के बारे में सारी जानकारी दी गई है, वंदे भारत एक्सप्रेस। ये दोस्तों अपने ट्रेन का स्पीड 128-130 के लगभग जा रहा है, काफ़ी स्पीड से चल रही है अपनी ट्रेन। देख सकते हैं TT सर ने हमको कुछ स्पेशल गिफ्ट मिला है आज के जर्नी करने वाले लोगों के लिए। जर्नी वस्तु लग गई दोस्तों हमारी, एक मग दिया गया है हमें इंडियन रेलवे द्वारा। दोस्तों इसको ओपन करते हैं और देखते हैं क्या है इसमें। और ये देखिए दोस्तों रेलवे की तरफ से काफ़ी बढ़िया गिफ्ट मिला है, गांधीनगर कैपिटल मुंबई सेंट्रल वंदे भारत एक्सप्रेस इनॉग्रल रन 30 सितंबर वंदे भारत का लोगो बना हुआ है और काफ़ी अच्छा मग मिला है, तो रेलवे की तरफ से काफ़ी अच्छा गिफ्ट मिला, अच्छा लगा देख के।
दोस्तों समय हो रहा है 3:10 और अपनी ट्रेन आ चुकी है वडोदरा जंक्शन पे। आप लोग देख सकते हैं वडोदरा जंक्शन पे आ चुकी है अपनी वंदे भारत एक्सप्रेस। अपनी ट्रेन आई है वंदे भारत वडोदरा के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। तो बात करें वडोदरा के कोड की तो BRCS का स्टेशन कोड हुआ और नंबर प्लेटफॉर्म 5 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है। और यहाँ पे अपने ट्रेन का 5 का हॉल्टिंग है, तो फिर दिखा देते हैं अपने ट्रेन का डिपार्चर। और दोस्तों वडोदरा से अपने ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है 5 रुकने के बाद, और मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉपेज इसके सूरत में। और देख सकते हैं यहाँ पे लोगों का उत्साह उमंग, काफ़ी सारे लोग खड़े होके वंदे भारत को देख रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। बाय बाय वडोदरा जंक्शन। तो दोस्तों ये रहा अपना लंच, ये है थेपला, ये राइस कढ़ी पनीर की सब्जी और ये मलाई कोफ्ता, बाकी श्रीखंड है, दही है। तो चलिए फटाफट टेस्ट करते हैं और आपको बताते हैं क्या है इसका टेस्ट। ठीक है, और एक कढ़ी काफ़ी मीठी है, गुजराती टाइप की है। गुजरात में तो गुजराती तो थाली मिलेगी, कढ़ी मीठी है और इसमें लिमड़ा का स्वाद आ रहा है नीम के पत्ती का। तो चलिए फटाफट फिनिश करते हैं और फिर आपको देते हैं इसका रिव्यू। तो बात करें खाने की तो खाना काफ़ी अच्छा था, और मतलब उसमें मिला जुला गुजराती टेस्ट आ रहा था। मतलब ट्रेन तो चल रही गुजरात में, तो रूट गुजरात का है, तो फिर खाना भी तो गुजराती ही मिलेगा। तो मतलब मिला जुला खाना अच्छा था, गुजराती टेस्ट था, अच्छा लगा। बाकी आपको रिकमेंड है, कोई दिक्कत नहीं है, खा सकते हैं। अभी हम लोग स्किप कर रहे हैं भरूच जंक्शन। अब इसके खत्म होते ही रहेगा बढ़िया शानदार नर्मदा जी का पुल, आप सभी लोग एंजॉय करिए। बड़ा पुल है, करीबन 1 इसकी लेंथ है।
तो दोस्तों समय हो रहा है 4:30 और अपनी ट्रेन आ चुकी है सूरत जंक्शन पे। तो स्वागत है दोस्तों आपका सूरत रेलवे स्टेशन पे। बात करें इसका स्टेशन कोड की तो एसटी इसका स्टेशन कोड हुआ। फिर आपको दिखा देते हैं डिपार्चर। तो दोस्तों सूरत से अपनी ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है। मिलते हैं हम डायरेक्ट आपसे मुंबई में। और यहाँ भी लोगों का भीड़, और देख सकते हैं उत्साह, लोग वीडियो बना रहे हैं, काफ़ी बड़ी संख्या में भीड़ है। पाँच बज चुके हैं और अपना आ चुका है शाम का नाश्ता। और ये देख सकते हैं प्रीमियम इंस्टेंट मिल्क है, इसमें आप चाय बना सकते हैं। बाकी बॉयल वाटर है, ये समोसा है, और यहाँ पे बटर मिल्क और एक केक भाखरवाड़े ऐसे कुछ लिखा है। तो अपना गुजराती नाश्ता इसको करते हैं फटाफट फिनिश, फिर बताते हैं इसका रिव्यू। अरे अपनी चाय तैयार हो गई। ये टेस्ट करते हैं अपना भाकरवाड़ी क्या चीज़ है, इसको टेस्ट करते हैं बताते हैं कैसा है। और एक कुछ मीठा नमकीन मिला जुला है गुजराती नाश्ते की तरह, ठीक ठाक है, अच्छा है। बाकी चाय टेस्ट करते हैं। मसाला चाय है, ये भी ठीक ठाक ही है। ये समोसा है, मटर की स्टफिंग की गई है, ठीक ठाक ये भी है, एवरेज है। चलिए फटाफट फिनिश करते हैं फिर बताते हैं आपको। और दोस्तों देख सकते हैं अपने चैनल में सभी लोग मिल चुके हैं, सत्या भैया, संदीप भैया, श्रेयस भैया, सारे ब्लॉगर आप लोग देख सकते हैं मिल चुके हैं वंदे भारत एक्सप्रेस में। बार बार नहीं मिलता है ऐसा मौका, बहुत नसीब से मिलता है। कितने सारे फेमस ब्लॉगर आपको एक जगह मिल जाए, तो काफ़ी अच्छा लगा है इन लोगों से मिल के। तो हम लोगों की वंदे भारत की जर्नी में मिल चुके हैं अपने फेमस यूट्यूबर विशाल भाई। तो विशाल भाई से मिल के काफ़ी अच्छा लगा, और ये आपको बताएंगे वंदे भारत पे कुछ रिव्यू देंगे। सो हमें भी बहुत अच्छा लगा वंदे भारत एक्सप्रेस में जर्नी करके। ये हमारी थर्ड वंदे भारत एक्सप्रेस थी, दो वंदे भारत ऑलरेडी चल रही हैं। तो दोनों आपने कवर कर लिया, उनमें से वाराणसी वाली मैंने नहीं की है, बस कटरा वाली की है ओनली। एंड ये भाई लोग मिले काफ़ी अच्छा लगा, और भी बहुत सारे रियल फैंस हमें मिले, तो काफ़ी मतलब यादगार जर्नी रही हमें, काफ़ी मज़ा आया। और एंड में एक गिफ्ट भी दे दिया इंडियन रेलवे की तरफ से, वो मेरा गिफ्ट उधर पड़ा है जो कि कप है, उसमें चाय पिएंगे सुबह उठ के और याद करेंगे इस सफ़र को, भाई को, सबको याद करेंगे। सो थैंक यू, बहुत अच्छा लगा यार। हम
आपको मिल चुके हैं, आपके और हमारे चहेते रेल ज्ञान कोष के संदीप भैया, इनसे हमारी ये दूसरी मुलाकात हो रही है। पहली बार हम लोग मिले थे नेपाल में, तो इनसे जब भी मिलो काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। तो संदीप भैया, इस वंदे भारत के बारे में और कुछ यूट्यूब के बारे में कुछ दो शब्द बता दीजिए। सबसे पहले तो इतनी शानदार बातें बोलने के लिए मेरे बारे में बहुत बहुत धन्यवाद आप जी। जी, और हाँ, हम लोग पहले ही मिल चुके थे नेपाल में और काफ़ी बढ़िया लगा था वो जर्नी। हाँ हाँ, बहुत अच्छा लगा। वंदे भारत ट्रेन की ना, हाँ, तो ये इससे पहले भी हम लोग बनारस वंदे भारत में ट्रैवल आप भी किए होंगे? हम भी किए। नहीं, हम नहीं किए। अच्छा, आप नहीं किए? नहीं, कोई नहीं। तो हमारी पहली जर्नी। अच्छा, बट तो आपके लिए अलग अलग एक्सपीरियंस था। हमारे लिए कुछ ऐसा कुछ नया नहीं था, लेकिन हाँ नए रूट पर चली है तो थोड़ा कुछ नयापन दिखा इसमें, और थोड़ी बड़ी चीज़ें जो है इसमें अलग दिखाई थी, इसलिए थोड़ा सा अलग लगा। बाकी जर्नी बहुत ही बढ़िया थी। तो दोस्तों, इसी के साथ लेते हैं वीजा और मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद। शाम के 7:30 बज चुके हैं और अपनी ट्रेन आ चुकी है वंदे भारत एक्सप्रेस मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पे। तो स्वागत है दोस्तों आपका मुंबई सेंट्रल रेलवे पे। इसके साथ ख़त्म हो जाती है अपनी भी और इस वंदे भारत एक्सप्रेस की जर्नी, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।